हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट। हाउ आर यू एवरीवन? आर यू फिट एंड फाइन? ओके, दैट इज़ वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक योर इंग्लिश एग्जामिनेशन हैज़ बीन ओवर। ओके, दैट्स व्हाई नाउ फ्रॉम नाउ वी हैव स्टार्टेड टू डू द नेक्स्ट एक्सरसाइजेस। ओके, हम लोगों ने जो भी एक्सरसाइजेस लेफ्ट रह गई थी उसको स्टार्ट कर दिया है। सो ऑन विच डे देयर वाज योर एग्जाम, इंग्लिश एग्जाम, डू यू रिमेंबर? यस, लेट मी टेल यू, इट वाज जस्ट ऑन 8th ऑफ दिसंबर। एंड आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव कंप्लीटेड योर आंसर शीट्स। आई होप यू ऑल हैव कंप्लीटेड योर आंसर शीट्स एंड कंप्लीटेड ऑल्सो ऑल द एक्सरसाइजेस। ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो एज वेल एज यू ऑल नो वी आर हैविंग द चैप्टर चीना एंड फिडो, चैप्टर 9, and that was the last exercise of the chapter to which we will complete today, and I'm here with that exercise. So first of all, let me show you the page number. Page number I have 35. Okay, page number 35. So everyone take out your book, English course book, and open the page number 35 there. Okay, so what is the exercise there? Exercise is about think and share, think and share. So start now. My favorite animal is, this means this exercise is about your favorite animal, your favorite animal. Okay, so I have just written down a sentence according to my view, but you will not write the same animals or same things. You will write, or you must have to write down about your favorite animal. ठीक है, आप अपने फेवरेट एनिमल के बारे में यहाँ राइट करेंगे, एंड व्हाई डू यू लाइक दैट वन। ओके, एंड व्हाई इज़ दैट वेरी यूजफुल फॉर यू, यू हैव टू मेंशन आल्सो अबाउट दैट। तो देखिए, मैंने राइट किया है माय फेवरेट एनिमल इज, आई हैव जस्ट रिटन हियर डॉग, यू कैन राइट डाउन योर वॉट एवर फेवरेट एनिमल यू हैव। ओके, आर पेट एनिमल यू हैव, यू कैन राइट डाउन, ओके, द नेम ऑफ दैट नेम एनिमल आप राइट करेंगे, बिकॉज एंड आफ्टर दैट यू हैव टू ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट व्हाई डू यू लाइक दैट वन, व्हाई डू यू कॉल इट फेवरेट, एंड इन हाउ मेनी वेज यू हेल्प हिम आर यू हेल्प इट आर। ओके, आपको ये सब बताना है, बिकॉज आई हैव रिटन इट इज़ वेरी फेथफुल एनिमल। ओके, क्योंकि ये जो बहुत फेथफुल एनिमल है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, शेयर विद योर क्लासमेट्स। सो क्लासेज आर नॉट गोइंग ऑन, सो नो नीड टू बी वरी। सो जस्ट यू हैव टू कम्प्लीट दिस एक्सरसाइज कम्प्लीट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फेवरेट एनिमल को राइट करेंगे, एंड आफ्टर दैट जो एनिमल है क्यों आपका फेवरेट है वो, ओके, रीज़न भी आपको यहाँ पे देना है। ओके, डन, कम ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज, इट्स योर थिंक एंड राइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज दिस, इट वॉज योर थिंक एंड शेयर, एंड नेक्स्ट वन इज थिंक एंड राइट। तो चलिए हम देखते हैं, let's try 9 exercise. okay, let's try 9 is this. so students, first of all there is a picture, yahan dekhiye ek picture hai, and in this picture we are getting this china. okay, china is there and has a dog, and what's the name of dog, did you remember? yes, Fido is there. china has given a name to this dog is Fido. theek hai, china yahan stand hai aur ye jo dog hai dekhiye Fido hai. okay, so let's come to see what is it. china helped Fido in many ways. china ne Fido ki bahut help ki hai, theek hai na, bahut tarike se help ki hai. try and remember any three, aapko kya karna hai, you have to just keep remember in your mind about three things. theek hai, aise koi three things aapko remember karni hai jo ki china ne Fido ke liye kiya hai, फिडो की हेल्प किया है. राइट, यू हैव टू राइट देम इन कम्प्लीट सेंटेंसेज. और आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 2 3 थ्री लाइन्स हैं, मीन्स थ्री सेंटेंसेस आप यहाँ पे राइट करेंगे, कम्प्लीट सेंटेंसेज. रिमेंबर टू स्टार्ट फर्स्ट स्टूडेंट्स, बी रिमेंबर वॉट एवर सेंटेंस यू आर गोना टू स्टार्ट, द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट सेंटेंस शुड बी इन कैपिटल. ओके, विद अ कैपिटल लेटर, आपका जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो कैपिटल से स्टार्ट होगा, एंड एंड विद अ फुल स्टॉप. और जब आप एंडिंग करेंगे, ठीक है, जब आप एंड करेंगे सेंटेंस की, सो दैट शुड बी कंप्लीट विद द फुल स्टॉप. तो फुल स्टॉप की हेल्प से उसको कंप्लीट करेंगे, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग एनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस लाइक क्वेश्चन मार्क और एनी थिंग. ठीक है, आपके जो सेंटेंस होंगे वो स्टेटमेंट टाइप के होंगे,
ठीक है, तो इसलिए आप लास्ट में फुल स्टॉप ही पुट करेंगे. सो स्टूडेंट्स सी देयर आई हैव रिटन, यहाँ देखिए मैंने कुछ सेंटेंसेस राइट किए हैं, बट इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज इट, यू वॉन्ट टू राइट एनी थिंग एल्स आर समथिंग मोर आर समथिंग डिफरेंट बाय योर माइंड बाय योर वीव, तो आप इसको करेंगे. ठीक है, आप उसको कंप्लीट करेंगे, राइट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिटन अबाउट द चीना. चीना गेव अ बाथ टू द डॉग. फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट हैपन वेन चीना ब्रॉट टू दैट डॉग, सो हर पेरेंट्स वर देयर, दे जस्ट गॉट वेरी वेरी वॉट सैड बिकॉज फिडो वॉज लुकिंग वेरी डर्टी, इट वॉज लुकिंग वेरी अनटाइडी, बहुत ही अनटाइडी रहता था ना, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहता था, प्लेइंग करता था. ओके, एंड ही नेवर टेकन अ बाथ. एंड जब चीना उनको होम पे लाई तो उनकी जो पेरेंट्स थे चीना के, वो बहुत ही सैड हो गए. एंड देन हर पेरेंट्स सेड टू बी मेक इट क्लीन, क्लीन करने के लिए कहा. तो चीना ने क्या किया, चीना गेव अ बाथ टू द डॉग. चीना ने सबसे पहले डॉग को बात कराया, ठीक है ना, एक बात दिया, उनको अच्छे से नहलाया. ठीक है, तो आप ये भी राइट कर सकते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज इट सो यू मे राइट योर ओन. नेक्स्ट है सी ड्राइड इट एंड आफ्टर आफ्टर हैविंग द बाथ. ठीक है, बात कराने के बाद चीना ने क्या किया, उनके बॉडी को ड्राई किया. सी ड्राइड इट विद अ टॉवेल, विद दिस थिंग, एक टॉवेल के साथ उनके बॉडी को ड्राई की. आप लोग भी जब शॉवर लेते हैं, आप बात करते हैं, सो यू ऑल्सो नीड अ टॉवेल ना, यू ऑल्सो यूज टॉवेल. इट्स लाइक दिस सीना ऑल्सो डिड विद फिडो. ठीक है, विद अ टॉवेल. नेक्स्ट सेंटेंस है देन शी गेव इट, सी गेव इट, इट इज़ हियर फॉर फिडो. ओके, फॉर द डॉग ये हो जाएगा. देन शी गेव इट सम वॉर्म मिल्क इन अ बाउल. उसके बाद क्या किया चीना ने, फिडो को कुछ वॉर्म मिल्क, मीन्स वॉर्म मिल्क जो है एक बाउल में दिया बाय फॉर ड्रिंकिंग. ओके, ड्रिंक करने के लिए. एंड आफ्टर दैट क्या होता था, एवरी डे इन द इवनिंग चीना कैरी टू डी फिडो, मीन्स डॉग, एंड देन दे प्ले देयर. फिडो जो डॉग हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करते थे, वहाँ पे प्लेइंग करते थे. ठीक है, और क्या होता था, चीना जो है बॉल रहता था, चीना बॉल को थ्रो करती थी, और ये जो फिडो हैं वो फिडो और उनके जो फ्रेंड्स हैं वो लोग रन करके बॉल को क्या करते थे, पिकअप करते थे. ठीक है ना, और ये चीना क्या करती थी, बॉल को बाउंस करती थी. ठीक है स्ट्रेंस, सो इट वॉज अ स्टोरी अबाउट. सो इफ़ यू वॉन्ट टू राइट समथिंग मोर आर एनीथिंग डिफरेंट सेंटेंस, ओके, विच वॉज अबाउट दी चीना, तो आप उसको राइट कर सकते हैं. ठीक है, आप उसको राइट कर लेंगे इसमें एंड उसको लर्न भी कर लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई थिंक वी हैव कम्प्लीटेड ऑल द एक्सरसाइजेज ऑफ द चैप्टर. सो आफ्टर दिस वी विल कम्प्लीट. सो यू ऑल ऑफ यू कम्प्लीट योर बुक, टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक. एंड आफ्टर दिस वॉट एवर चैप्टर यू हैव, यू मे ऑल्सो ट्राई टू रीड एट होम. जो भी चैप्टर्स आपके हैं आप उसको होम पे अच्छे से रीडिंग कीजिएगा. नेक्स्ट डे अगेन वी विल क्या करेंगे, हम चैप्टर को रीड करेंगे, देन वी विल एक्सप्लेन. बट बिफोर दैट यू मस्ट हैव टू रीड दैट चैप्टर एट होम. ओके, एंड कंप्लीट योर क्वेश्चन पेपर्स ऑल्सो, वॉट एवर राइटिंग्स आर देयर, दैट शुड बी वेरी नीटली एंड इन प्रॉपर हैंड राइटिंग. ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ थैंक यू, हैव अ ब्यूटिफुल डे.